धन खर्च में ज्यादा होगा, आपका शेयर मार्केट में मन ज्यादा लगेगा, उससे सावधान रहना, नुकसान हो सकता है। और आपके चतुर्थ स्थान पे गुरुदेव सुख में बाधा पहुंचा रहे हैं, चिंता कारक हैं। कर्म क्षेत्र में वो पिता के लिए बहुत सुखद संपद यानी सुखद समाचार मिलेगा। पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पिता की कृपा रहेगी, उनकी कृपा सहयोग से कोई नया कार्य आपका बन सकता है। कर्म क्षेत्र में नया विकास होगा, कर्म क्षेत्र में नए आयाम जुड़ेंगे। साथ साथ में आपके खर्च की मात्रा में मंगलकारी में खर्च होगा, अच्छे कार्यों में आप खर्च करने की आदत रहेगी। इस प्रकार से खर्च की स्थिति निर्मित करने वाले हैं। और दशम स्थान पर आपके जो अभी जो वर्तमान में जो चल रहे राहु हैं वो 23 तारीख के वो नौवें भाग्य स्थान पर जाएंगे, तो वो नौवें भाग्य स्थान पर थोड़ी सी भाग्य में रुकावट पैदा करेंगे, अचानक अड़चने पैदा करेंगे, छोड़े भाई बहनों के लिए कष्टदायक रहेंगे। और जो है सो शनिदेव आपकी राशि से पंचम होने से आपके पत्नी स्थान में दृष्टि जा रही है, इसलिए पत्नी का स्वास्थ्य या स्वभाव बिगाड़ सकते हैं। मन में रंजिता हो सकती है, मन थोड़ा मतभेद हो सकता है। मतभेद होने के साथ साथ में आपके बड़े भाई बहनों के लिए थोड़ा सुखद समाचार नहीं है, छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहनों के लिए थोड़ा मंगल ठीक नहीं है, अर्थात उनसे मनमुटाव हो सकता है, उनके भरण पोषण में नुकसान हो सकता है, उनसे जो है सो परेशानी हो सकती है, उनकी किसी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। छोटे भाई बहनों के लिए समय चक्र ठीक नहीं है। साथ साथ में आपके जो सूर्यदेव हैं आपकी राशि पर विराजमान हैं, इसलिए आपके राशि पर सूर्य होने से आपका मन उत्साहित रहेगा, ऊर्जा बढ़ेगी, शक्ति की आभास होगा, निर्भीकता साहस शक्ति स्ट्रांग विल पावर बढ़ेगा। और पत्नी से थोड़ा सा विवाद होने की स्थिति भी निर्मित करेंगे, गवर्नमेंट से संबंधित कोई कार्य है वो सब सहज में हो जाएंगे। और गवर्नमेंट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सहजता रहेगा, कोर्ट मुकदमा जिनके चल रहे हैं उनके लिए बहुत उत्तम फलदायक है। इस प्रकार से छठवें स्थान पर सूर्यदेव आपके बहुत उत्तम फलदायक आने वाले हैं। और चंद्रदेव आपकी राशि तो कन्या है, कन्या राशि में एकादशे सर्वलाभम ग्यारहवें चंद्रमा है, 20 और 21 तारीख को सर्व एकादशे सर्वलाभम सब प्रकार से लाभ का संकेत कर रहे हैं। अचानक कोई अच्छा लाभ हो सकता है जिसमें मन प्रसन्न रहे, दिन पूरा हर्षित रहेगा और मित्रों का भरपूर सहयोग मिलता रहेगा और दूसरे समागम लोगों का होगा, आपका भी कहीं जाने हो आने पर सम्मान हो बढ़ेगा और एक मान बढ़ेगा। साथ साथ में 22 और 23 तारीख को आपका चंद्रमा जो है सो बहुत ठीक नहीं है, उस दिन आपका मन मनोमालिन्य रहेगा, खर्च की मात्रा बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से 22-23 ठीक नहीं है। इस प्रकार से साप्ताहिक राशि भविष्य में कन्या राशि वालों के लिए पूरा सप्ताह मंगलमय हो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हरिओम। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटर कास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी स्वतंत्र से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।